तो आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन में पैटर्न प्रोग्रामिंग के पैटर्न नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। पैटर्न नंबर 13 का जो आउटपुट है वो इस तरह से रहेगा। यहाँ पे पैटर्न 13 का ये आउटपुट है, आप देख सकते हैं कि हमें आउटपुट इस तरह से आउटपुट को डिजाइन करना है। ये हमारा आउटपुट है जिसको हमें डिजाइन करना है। हमारा आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा आउटपुट है। ये हमें आउटपुट फाइंड आउट करना है सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। तो अगर आपने इसके पहले वाले प्रोग्राम्स को नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको ये प्रोग्राम जो है समझ में आएगा। तो करना क्या हमें, सिंपली हम लोग देखिए हमारा ये प्रोग्राम है, जो ये प्रोग्राम जो यहाँ दिखाया जा रहा है ये आपको आराम से सी प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके इस प्रोग्राम को नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेडर फाइल है, ये हेडर फाइल लगी हुई है यहाँ पे, ये आपकी हेडर फाइल लगी हुई है। यहाँ से आपका मेन फंक्शन है और ये यहाँ पे हम लोग रो को एंटर कराने के लिए मैसेज दे रहे हैं और यहाँ पे हम लोग उस रो को एंटर करा रहे हैं। उसके बाद देखिए हमारा मेन लॉजिक यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें लूप चलाना है। कहाँ से कहाँ तक हमारा लूप चलना चाहिए, रो तक, जितनी हमारी रो है उतने लूप चलना चाहिए। तो हमने ये जो बाहर वाला लूप है, एक्सटर्नल लूप, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, वो क्या कर रहा है कि उतनी रो के लिए लूप चला रहा है। यानी कि जैसे हमें 5 रो हमें यहाँ पे एंटर कराते हैं तो हमें 5 रो चाहिए। तो ये पहला लूप जो क्या कर रहा है, सिंपली 5 टाइम्स लूप को रोटेट कर रहा है। तो इसका कोई यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। हमें पहला लूप, सारे जितने भी पैटर्न प्रोग्रामिंग है सब में पहला लूप हमें सिंपली ऐसे ही लगाना है जो कि हमारे पैटर्न्स को उतने रो के लिए लूप को कवर कराए। तो सारे के सारे पैटर्न प्रोग्राम में ये लूप सेम रहेगा। नेक्स्ट लूप में इसके अंदर हम लोग लॉजिक को डिफाइन करते हैं। अब लॉजिक क्या है कि हम पहली बार में तो सारे के सारे जितना हमारा नंबर ऑफ रो है उतने पैटर्न प्रिंट कराने हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने 6 एंटर कराया है तो हमें यहाँ पे कितने कराने हैं, देखिए 5 इस तरफ हैं और 5 इस तरफ हैं। तो हमें 5 5 दोनों तरफ और ये इस तरफ, यानी कि 11 हमें स्टार जो है टोटल प्रिंट कराने हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराया, जो सबसे पहले तो ये स्पेस वाला लूप हम बाद में देखेंगे, हमें पहले 11 स्टार प्रिंट कराने हैं। 11 यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 12 माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है 2 इंटू स्टार, स्टार जो हमारा है वो क्या है, रो के बराबर है। देखिए यहाँ पे स्टार को हमने रो के बराबर रखा है, तो रो जो है उसका 2 गुना उससे 1 कम, तो यहाँ पे 11 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। अभी स्पेस पे आते हैं, स्पेस हमें अगली लाइन में देखिए हमें स्पेस भी प्रिंट कराना है। पहली लाइन में तो स्पेस नहीं प्रिंट कराना है, अगली लाइन में एक स्पेस, उसके बाद 2 स्पेस, उसके बाद 3 स्पेस, इस तरह से स्पेस भी प्रिंट कराने हैं। तो वो स्पेस कैसे पता चलेगा कितने स्पेस प्रिंट कराने हैं, उसके लिए लॉजिक यहाँ पर है। तो ये लॉजिक कैसे काम कर रहा है, देखिए स्पेस हमने शुरुआत में क्या रखा है, 1, यानी कि हमारे शुरुआत में स्पेस इक्वल टू 1 और स्पेस टेम्प से कम है और टेम्प की वैल्यू क्या है, टेम्प यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। शुरुआत में टेम्प की वैल्यू हमने 1 दे रखी है। तो ये पहली बार में तो कोई लूप चलेगा नहीं, अगली बार में टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्प की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो टेम्प की वैल्यू अब कितना रन होगा, अब यहाँ पे रन होगा 1 बार, तो यहाँ पे 1 स्पेस आएगा। अगली बार में 2 स्पेस आएंगे, यहाँ पे 1 स्पेस से मतलब है यहाँ पे हम लोग 2 स्पेस दे रखे हैं। तो 1 स्पेस जब हम बात कर रहे हैं तो वो 2 स्पेस लेगा। 2 स्पेस किस लिए, क्योंकि देखिए 1 स्टार का स्पेस और 1 स्टार के बाद हम लोगों ने स्पेस दिया है। अगर हम ये स्पेस यहाँ पे ना दें, इस तरह से लिखें, तो हमें यहाँ 1 स्पेस लगाने की जरूरत है, लेकिन हम इस तरह से लिख रहे हैं तो हमें 2 स्पेस लगाने की जरूरत है। ये हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि ये हमारा जो है स्पेस अच्छे से मेंटेन हो। अगर हम ये स्पेस नहीं लगाते हैं तो इस तरह से कुछ स्पेस जो स्टार हैं वो पास पास आएंगे, तो उनको हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए इसके अंदर एक स्पेस को कंसिडर करके चल रहे हैं। तो ये हमारा सी का प्रोग्राम था, जिसका आपको जो कंप्लीट प्रोग्राम आपको सी प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन के पैटर्न प्रोग्रामिंग में स्टार पैटर्न नंबर 13 पे आराम से आपको मिल जाएगा। अब वहाँ से इसको देख सकते हैं, ये उसका सोर्स कोड है जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताया है। तो आप सबसे पहले तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन सी प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, जिसमें आपको लगभग सारे स्टार पैटर्न, नंबर पैटर्न और जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे सी प्रोग्राम वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आप वहाँ से आसानी से प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो स्टार पैटर्न का प्रोग्राम था, जिसमें हमें इस तरह का शेप बनानी थी, तो उसके लिए हमारा लॉजिक यहाँ पर है। देखिए ये इतना लॉजिक है मेन इस लूप से, कि पहला लूप क्या कर रहा है, पहला लूप सिर्फ
उतने जितने हमें रो चाहिए उतने रो के लिए ये रोटेट हो रहा है या उतने रो के लिए रिपीट हो रहा है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने स्पेस का लॉजिक लगाया कि हमें कितने स्पेस चाहिए, तो हम उस हिसाब से स्पेस को मैनेज कर रहे हैं। स्पेस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने कुछ वेरिएबल लिए हैं जैसे स्पेस एंड टाइम। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग स्टार को प्रिंट करा रहे हैं और देखिए यहाँ पे स्टार की वैल्यू रो के साथ साथ घट रही है, यानी कि यहाँ पे रो बढ़ेगी, यानी कि पहली रो के लिए 12 स्टार चाहिए, अगली रो के लिए 2 स्टार कम चाहिए। तो वहाँ पे देखिए हमने एक स्टार की वैल्यू घटा दी है क्योंकि स्टार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, तो सीधे 2 स्टार घट जाएंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में। इस तरह से नीचे पैटर्न जो है कम्प्लीटली प्रिंट हो जाएगा। तो ये था पैटर्न नंबर 13, जिसको कि हम लोगों ने यहाँ पे इस प्रोग्राम के मदद से एग्जीक्यूट किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पैटर्न नंबर 14 देखेंगे। चूँकि ये पैटर्न प्रोग्रामिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं या आप यूँ कहें कि जो आपका जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ आपको जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इसके लिए सी प्रोग्राम सॉल्यूशन, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको सारे पैटर्न प्रोग्रामिंग और नंबर पैटर्न प्रोग्रामिंग, सारे एरे से रिलेटेड प्रोग्रामिंग जो भी इंटरव्यू के टाइम पे या जो आपके प्लेसमेंट के टाइम पे पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे उसमें कवर किए गए हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।